वो उम्मीदवार किशनगंज मोहतरम जनाब शाहनवाज साहब नसीम बदशरीफ शर्मा जनाब आलोक यादव साहब मेरे मजलिसी रुखा मौजे हाजरीन इकराम बुजुर्गान मिलत मेरी इज्जतदार और माँ और बहनों अभी आपने मौला बैठ हम लंबे चौड़े में और बैठ के फुट बात की हमारे अल्लाह ने हमको लंबा बनाया मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो मैं आपके सामने ज्यादा देर नहीं ठहरूंगा चार पांच अहम बात आपके सामने रखकर मैं यहां से रुखसत हो जाऊंगा सबसे पहली बात तो यह है कि हम आपसे गुजारिश करने आए हैं आपसे इल्तिजा करने आए हैं कि अब की बार आप 18 अप्रैल के दिन जनाब अख्तरुल ईमान के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला दिल्ली में जो एक नई सरकार बनेगी अख्तरुल ईमान बहैसियत सांसद किशनगंज के और असदुद्दीन ओवैसी बहैसियत सांसद हैदराबाद के हम किशनगंज की आवाम से बिहार की आवाम से सीमांचल के गयूर आवाम से हिंदुस्तान के हमारे हम वतन हिंदुस्तानियों से इस बात का वादा कर रहे हैं कि जब हम कामयाब होकर बहैसियत रुकने पार्लियामेंट दिल्ली जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी और हम आपसे वादा करेंगे कि हम मोदी का साथ नहीं देंगे ना बीजेपी का साथ देंगे दूसरी अहम बात यह है कि आज मुल्क में जो हालात हैं वो हालात इस तरह से गंभीर हो चुके हैं बड़े नाजुक हालात से हमारा वतन अजीज गुजर रहा है हमारे आलोक यादव साहब जो बहुजन क्रांति पार्टी के जिम्मेदार यहाँ पर बैठे हैं बहुत बड़ी तादाद में आज के जलसे में हमारे दलित भाई बहन हमारे ओबीसी भाई बहन भी हैं मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि संविधान में जब आरक्षण मिला वो आरक्षण इसलिए मिला बाबा साहेब अंबेडकर की वजह से आरक्षण मिला और आज ये बीजेपी की सरकार ये मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए हुए कानून के खिलाफ एक नया कानून बना दिया जो संविधान में आरक्षण हमको इस बुनियाद पर मिलता था और आज भी मिल रहा है और कल भी मिलेगा कि हमसे नाइंसाफी हुई दलितों से नाइंसाफी हुई बैकवर्ड क्लास के उन तमाम जात बरादरियों से उनसे नाइंसाफी हुई उस नाइंसाफी को खत्म करने के लिए बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण का प्रोविजन लगाया आज नरेंद्र मोदी आलाजात के लोगों को आरक्षण दे रहे हैं जो बाबा साहेब अंबेडकर के उसूल के खिलाफ है जो संविधान के खिलाफ है मैं आपसे अपील कर रहा हूं याद रखिए आप अगर ये 10% आरक्षण जो आलाजात के लोगों को मिल रहा है तो कल मुस्तकबिल में ऐसा वक्त आएगा कि ये बीजेपी और आरएसएस की सरकार कहेगी कि अब जिन लोगों को बरसों से 5000 साल से जिनको तंग किया गया जिनको ओबीसी के नाम पर जिनको तंग किया गया अब आरक्षण मिलेगा तो नाइंसाफी की बुनियाद पर नहीं डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पर नहीं बल्कि उन लोगों के साथ इसको खत्म करके रख दिया जाएगा मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं यह हकीकत है इसीलिए मैं आप तमाम से अपील करने आया हूं कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को अगर बचाना है बाबा साहेब अंबेडकर ने
जो दलितों को और हमारे बैकवर्ड क्लास के लोगों को जो संविधान में आरक्षण दिया, उस आरक्षण को हासिल करना है, उसको बचाना है, तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप अख्तरुल ईमान के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हम हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाकर इस आरक्षण को और इस संविधान को बचाने का काम करेंगे। तीसरी बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा था, किशनगंज में हमारा मुकाबला किससे है? हमारा मुकाबला साफ और साफ उन ताकतों से है जो गरीबों से इंसाफ करना नहीं चाहते। अख्तरुल ईमान का मुकाबला उस पार्टी से है, उस सोच से है जिसने सीमांचल को हमेशा गरीबी और मुफलिसी में उसका मुखतर बनाकर रख दिया। यहाँ के नौजवान को नौकरी नहीं मिलती, ऐसी ताकतों को आपको शिकस्त देना है। पिछले 60-65 साल से ये तमाम पार्टी आकर, इनके उम्मीदवार आकर आपसे सिर्फ आपका वोट हासिल करके चले गए। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला जब आप अपना एक एक वोट पतंग साहब के नाम निशान पर अख्तरुल ईमान को देंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि अख्तरुल ईमान बहस के रुकने पार्लियामान सीमांचल में बल्कि बिहार का सबसे बेहतरीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अख्तरुल ईमान साबित होंगे। आप एक मौका इनको दीजिए, क्योंकि जितने भी एंट्री आपने बनाए, मैं किसी का नाम लेकर बोलना नहीं चाहता, मगर बताइए आप इलेक्शन जीतने के बाद हर गरीब को शिकायत होती है कि इलेक्शन के वक्त तो सब आकर बड़ी बड़ी खूबसूरत और अच्छी अच्छी बातें करके जाती है, और जीतने के बाद 4-4.5 साल नजर नहीं आते, फिर दोबारा इलेक्शन के वक्त दूल्हा बनकर आ जाती है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि अख्तरुल ईमान ऐसा नहीं करेंगे। जिस पार्टी से अख्तरुल ईमान उम्मीदवार है, हम साल के 12 महीने काम करते हैं, हम हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं सिवाय जुमे का एक दिन छोड़कर, 24 घंटे हमारा फोन खुला रहता है, लोग हमसे काम लेते हैं, अगर हम काम नहीं करते तो लोग हमसे आकर मोहब्बत के और नाज करके हमसे लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं। ये काम हम हैदराबाद में किए और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है अख्तरुल ईमान साहब की उन तमाम उनमें अल्लाह ने उनमें बेशुमार काबिलियतें दी है, आप उनको अगर एमपी बनाएंगे तो यकीन जानिए आप सीमांचल की आवाम और बिहार की आवाम खुद ये कहेगी कि हाँ, अगर कहीं पर हमने एक सही फैसला लेकर किसी को सांसद या एमपी बनाया तो अख्तरुल ईमान है। आपके इस इलाके में बहुत से मसाइल हैं। मंजलिस पार्टी सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, मंजलिस पार्टी सीमांचल के तरक्की की लड़ाई लड़ रही है, मंजलिस पार्टी सीमांचल में पुल बने, ब्रिजेस बने, यहाँ के मासूम बच्चे और बच्चियों को स्कूल और कॉलेजेस का उसका इंतजाम हो। ये उस वक्त होगा जब आप अपने वोट से एक अच्छे आदमी को, अच्छे उम्मीदवार को आप उसको कामयाब करेंगे। मैं आपके सामने इस बात को अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो जेडीयू का उम्मीदवार है जिसका नाम महमूद है, मैं आपसे कह रहा हूँ, वो यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं कि मैं तो घर का आदमी हूँ। जब अगर आप घर के आदमी हैं तो घर के अंदर तो आप किसी दुश्मन को तो नहीं बुलाते, जब घर आपका होता है तो आप घर में दोस्त को बुलाते, आप अपने घर में उन लोगों को दावत देते जिन पर आपको भरोसा होता है, आप अपने घर के चौखट पर दुश्मन को नहीं बुलाते, ना उसका साया आपके घर के चौखट पर पड़ने देते। आप खुद तय करिए कि हमारे वतन अजीज में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, कितने लोगों को मारा गया, कितने लोगों को पीटा गया, कितने लोगों की जानें चले गई। आप देखते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, कभी गाय के नाम पर इखलाक के घर में घुसकर उसको मार दिया गया। कौन था इखलाक मेरी माँ और बहने? मैं इखलाक के घर को गया था, हमारी माँ और बहनों को बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं इखलाक के घर को गया था, उसके घर में घुसकर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग घर में घुसकर सिर्फ इस शक की बुनियाद पर ये इखलाक के घर में गोश है। बाद में मालूम हुआ, पुलिस ने चेक करवाया, उसके घर में गोश्त नहीं निकला।
जब मैं अखलाक के घर को गया था, अखलाक को उसकी माज़ईफ माँ के सामने, उसकी बीवी के सामने, उसकी 18 साल की नौजवान बच्ची के सामने, उसके 21 साल के नौजवान बेटे के सामने, बीजेपी और संघ परिवार के लोगों ने अखलाक उतना मारा कि अपने घर के आंगन में दम तोड़ दिया। मैं अखलाक के घर को गया था, मेरी माँ और बहनों, मैंने अखलाक के घर वालों से पूछा कि मैं अखलाक की माँ से मिलना चाहता हूँ, तो मुझे बताया गया कि किसी कोने में एक 75 साल की बूढ़ी बैठी हुई है। अल्लाह बेहतर जानता है कि जब मैंने अपनी नजरें उठाकर अखलाक की माँ को देखा तो उसका चेहरा सुजा हुआ था, चेहरे पर ना आंख नजर आ रही थी ना उसकी नाक नजर आ रही थी। मैंने पूछा इनको क्या हुआ, तो लोगों ने नीचे मुंडी करके, किसी ने आंख में आंसू लाकर कहा कि जालिमों ने जब अखलाक को मार रहे थे तो माँ की ममता जाग गई, वो दौड़कर अपने बच्चे को बचाने गई, तो इन जालिमों ने उस सही बूढ़ी औरत को भी खूब मारा और पीटा। आप सोचिए कि किसी माँ के सामने किसी का बेटा मर सकता है, किसी हमारी बहन के सामने उसके शौहर को मारा जा सकता है, एक जवान बच्ची के सामने उसके बाप को मार दिया जाता है, एक जवान बच्चे के सामने उसके बाप को मार दिया जाता है। और आप सोचो मेरी माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों, अखलाक का बेटा हिंदुस्तान की एयरफोर्स में काम करता है, हमारे मुल्क की फिजाओं की हिफाजत करता है वो, आप बताइए उन लोगों पर क्या गुजर रही होगी, उनको अपना गांव छोड़कर, अपना गांव छोड़कर दिल्ली में आज रह रहे हैं। और आज भी अखबार में उनका बयान आता है कि हमको अगर कोई चीज सताती है तो हमको हमारा गाँव बहुत याद आता है, हमको हमारा गांव बहुत याद आता है। नहीं मेरे भाई, ये मैं बात तुमको, तुमसे दाद हासिल करने के लिए नहीं कह रहा हूं कि तुमको मेरी बात पसंद आई और तुमने थालियां मार दी, नारे मार दिए। मैं तुमको बता रहा हूं कि मुल्क में हालात क्या है। कल अखलाक की बीवी बेवा हो गई, कल अखलाक की माँ की कोख खाली हो गई, उसके बच्चे यतीम हो गए। याद रखो, हमको बीजेपी को रोकना है, और अगर बीजेपी को रोकना है तो अख्तर अली मान को आपको कामयाब करना पड़ेगा। अब आप जब यहाँ महमूद ये बात कहती हैं, मैं महमूद से पूछना चाहता हूँ, महमूद साहब क्या तुम अखलाक के घर पर जा सकोगे और जाकर तुम बोल सकोगे कि मैं मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला हूँ? तुमको अखलाक के घर वाले कहेंगे कि नहीं, मोदी के दौर में हमने अपने बाप को खोया, अपने बेटे को खोया। महमूद साहब, अगर आप में इंसानियत है तो जागो, उस इंसानियत को पैदा कर लो। अगर आप में छुपा हुआ इंसान है तो मैं आपको दावत दे रहा हूं, छोड़ दो उस जमात को, आ जाओ, हम तुमको गले लगाने तैयार हैं। आ जाओ, आप हम आपको आपका जायज मुकाम देंगे। छोड़ो उन जालिमों का साथ, छोड़ो बातिलों का साथ मत दो, हक का साथ दो। मैं आपको जो इज्जत आपकी, हम आपको देने तैयार हैं, मगर क्यों ऐसे लोगों का आप साथ देते हैं जिनके वजूद ने, जिनकी ताकत की वजह से हमारी बहनें बेवा हो गई, हमारे बच्चे यतीम हो गए। गुजरात में एक दलित खानदान को, जो गुजरात में दलित है, जितने गाय मर जाते कोई आला जात का आदमी नहीं उठाता उसको, ये दलित उठाता है एक जो मरी हुई गाय को, और जब वो गाय उठाए जो गाय मर गई थी, उनको इन संघ परिवार के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, क्योंकि इनका चौधरी मोदी है, इनको यकीन है इनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनका चौधरी, इनका मुखिया मोदी है, अहमदाबाद में दलित नौजवान बच्चों के कपड़े उतार कर, उनका वीडियो निकाल कर उनकी पीठ पर मारा गया। आप बताइए उस माँ पर क्या गुजरती होगी जिसके बेटे को कपड़े उतार कर उसको पीठ पर मारा जाता है, जबकि उसका काम है वो, वही अगर तुमने उसको नौकरी दी होती तो क्यों करता वो? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,